भागलपुर स्मार्ट सिटी अब बदबू सिटी हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भागलपुर का मनाली चौक स्थित हजरत घूरन शाह मजार पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मजार के समीप से गुजरने वाले राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मजार के परिसर में बना शौचालय का गंदा पानी सड़क पर बहता है। पानी के साथ गंदगी सड़क पे जमा हो जाता है और तेज धूप के कारण गंदा पानी बदबू करता है, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशानी होती है। मामले को लेकर जब मजार के व्यवस्थापक, शहरवासी और राहगीर से बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आप वो सुने। सर, कि मजार में शौचालय नहीं है, वो टूटा फूटा हुआ शौचालय है। जो लोग यहाँ पर आते हैं प्रसाद उरसाद चढ़ाने के लिए, वो उनके व्यवस्था के लिए, आज आप जाके देख सकते हैं उधर गेट भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और उधर जो पानी बह रहा है वो आए दिन दूध वाला जो है शिकायत करता रहता है, और हम अपने से जा करके, मेरा एक लड़का है वो बच्चा, जा करके हम लोग अपने से साफ़ सुथरा करते रहते हैं। और वो नाली में आज तक जब से वो नाली बना है शुरू सब चीज़ सही था, और कुछ काम के वजह से जो है तो वो नाली जाम हो चुका है। दूध वाला सुधा का जो लस्सी बेचता है वहाँ पे लोग पीता है, हम उसको बोले हैं कि इसमें मत डाला करो, वो उसमें डाल देता है। नारियल बेच रहा है, नारियल पी करके आदमी डाब पानी पी करके नारियल उसमें गिरा देता है। हम अपना स्टाफ रख करके, एक बार नाली का पाइप टूट गया था स्मार्ट सिटी के काम के वजह से, तो हम अपना लड़का रख करके, लेबर रख करके नाली को हम फिर से जुड़वाए हैं। आए दिन पानी जब सर निकलेगा नहीं तो कहाँ से, मतलब जो है तो आप, हम उसको क्या कर सकते हैं। बदबू तो आ रहा है, देखिए बदबू आ रहा है, वो जब चढ़ाएगा प्रसाद उरसाद चढ़ाने के लिए आता है, ब्लड वलग गिरता है तो वो ही जाता है बाद, बाकी यहाँ कोई शौचालय नहीं है। आप जा करके अपने कैमरे से आप देख सकते हैं कि उधर क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद साबिर खान। ऐसा है सर कि जो है मजार से गंदा पानी बहाया जाता है शौच का, इसके पहले भी हमने इनको जाके बोला कि जो है इस तरह का बहता है रोड पर, और जो है आने जाने वाले को दिक्कत है, और ये सुधा डेयरी में भी जो है हम लोग खाने पीने का चीज़ बेचते हैं और जो है कस्टमर को भी दिक्कत होता है, लेकिन इनके मना करने के बावजूद भी रोड पर बहा रहे हैं। तो इस संबंध में हम लोग आज नगर आयुक्त को आवेदन दिए हैं। पूर्व में भी एक आवेदन दिया गया था जिस पर इसको नोटिस किया गया, लेकिन कोई जवाब इधर से कुछ नहीं हुआ। परेशानी हो रही है, पर पूरा परेशानी हो रही है सर। सारे ट्रैफिक वाले यहीं पर ड्यूटी करते हैं, इनको भी जो है दिक्कत है। किस तरह का पानी है ये? शौच का पानी है, एकदम लैट्रिन है, खुला लैट्रिन बह रहा है रोड पर, देख लिया जाए सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय तिवारी हुआ। परेशानी यही है, क्या राहगीर आते जाते हुए शौच का पानी देखता है, बहुत महकता है, यहाँ पर रुकने का मन नहीं करता है, और बहुत बहुत सारा दिक्कत होता है कि देखने का मन नहीं करता। किस तरह का ये पानी है, कहाँ से आता है? ये मजार का पानी है, शौच का। शौच लेटरिन बहता है, मूत्र बहता है, कभी खून बहता है, बहुत कोई देखता है, घिन मानता है, मांगता है, इसी सब का वजह से यही सब दिक्कत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। आपने राहगीर, शहरवासी और मजार के व्यवस्थापक की बातें सुनी, जिन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन मजार के व्यवस्थापक की ओर से कोई पहल नहीं की गई। साथ ही मजार के व्यवस्थापक का कहना है कि सड़क पर बहने वाला पानी शौचालय का नहीं है। मजार परिसर में एक टूटा फूटा शौचालय है जिसका उपयोग बहुत कम होता है। मजार पर प्रसाद चढ़ाने से पहले लोग वहां हाथ पैर धोते हैं, वही पानी सड़क पर बहता है। वहीं राहगीरों का कहना है कि रोजाना सैकड़ों लोग चादर पेशी करने और माथा टेकने के लिए मजार पे आते हैं, खासकर शनिवार के दिन लोग मजार पे ज्यादा आते हैं। वहीं चौक पर पुलिस वाले भी ड्यूटी करते हैं। पानी की गंदगी से राहगीर से लेकर पुलिस वालों को भी परेशानी होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।